देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट से राज्य आंदोलनकारियों क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिली है। विधानसभा सत्र में ये विधेयक पारित किया जाएगा, यानी कि उस सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा जो कि 2004 से लागू होगा, 24 से लागू होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे अहम फैसला, राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट बनाने पर भी विधेयक को स्वीकृति सरकार ने दे दी है। कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25% प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मोहर लग गई है। सरकारी सेवाओं में या जो हमारे पीआरडी के जवान हैं, जो हमारे विभिन्न बाई स्रोतों से और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनके लिए अलग अलग कभी बच्चा गोद लेने की स्थिति में मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया विभिन्न श्रेणियों में। इसके अलावा इस राज्य में जो विधि विषय है लॉ पूर्व में तकनीक शिक्षा मंत्रालय में विभाग में था और उस समय के बाद उसको सिद्धियों सुमन विश्वविद्यालय के गठन होने के बाद उसको सिद्धियों सुमन विद्यालय के मैंडेट में रख दिया गया और उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिएक्शन आया था, क्योंकि सिद्धियों सुमन विद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर नहीं है।